स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सूरत बॉय कृष्णा में। दोस्तों रेलवे से जुड़ी किसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप सूरत बॉय कृष्णा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आज का ये वीडियो उन रेल यात्रियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, या फिर उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला जो 2023 या फिर आने वाले कल में IRCTC के ऑथराइज्ड एजेंट बनना चाहते हैं। आज दोस्तों मैं खुल के बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी कमियां हैं और कौन कौन से नुकसान हैं, और दोस्तों कौन कौन से फायदे हैं और आपको लेना कितना हद तक सही है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ IRCTC एजेंट होता क्या है। दोस्तों IRCTC का ये होता है कि आप अगर वो एजेंट आईडी परचेस कर लेते हैं तो एक लीगल तरीके से रेलवे की नज़र में आप रेलवे के ऑथराइज्ड एजेंट हो जाएंगे, और फिर दोस्तों आपके पास अनलिमिटेड 10 टिकट बुकिंग करने का फैसिलिटी मिल जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड आपको ना RPF बोलने वाली है ना कोई बोलने वाला है, मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर आप IRCTC के ऑथराइज्ड एजेंट नहीं है और अगर आप पर्सनल यूजर आईडी से 10 टिकट बुक कर रहे हैं तो फ्रेंड आप रेलवे की नज़र में रेलवे को ऑथराइज्ड एजेंट नहीं है। तो ऐसे में आपको बहुत अच्छे से पता है कि 143 के तहत पर्सनल यूजर आईडी से टिकट बेचना और सेल करना पूरी तरह से इलीगल है, इसके तहत दोस्तों कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड आज मैं आपको बताऊंगा IRCTC की एजेंट आईडी क्यों लें, क्यों ना लेना चाहिए, क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, सभी चीज़ें दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस समय ज़्यादातर लोग खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, खासकर टिकट वगैरह में सबसे ज़्यादा लोग घुस रहे हैं, और लोगों के पहले से पता नहीं रहता कि IRCTC एजेंट है क्या, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है। ये चीज़ें दोस्तों आज मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों IRCTC एजेंट आईडी की जो प्राइस है दिन ब दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। एक समय हुआ करता था जब 1200-1300 रुपये में हमें OTP बेस वाली एजेंट आईडिया प्रोवाइड कर दी जाती थी 1 साल के लिए। अब दोस्तों प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वही एजेंट आईडी हमें 2400-2600-3000 रुपये तक की मिल रही है। अब दोस्तों OTP बेस की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप डूंगल बेस पे जाएंगे तो डूंगल बेस की प्राइस 3500-4000 रुपये, मतलब मोस्टली जितनी सारी कंपनियाँ रहती थी जो हमें IRCTC की एजेंट आईडी प्रोवाइड करती थी उनकी रेट दोस्तों इस समय आसमान छू रही हैं और फैसिलिटी के नाम पर कुछ भी नहीं है। दोस्तों अगर इसमें बुकिंग की बात करें, कमीशन की बात करें तो आप सोच भी नहीं सकते। इनके टर्म एंड कंडीशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोस्तों अगर आप एडवांस की बुकिंग कर रहे हैं, लाइक 4 महीना एडवांस की बुकिंग कर रहे हैं, तो आप 8:15 पर इसमें बुकिंग कर पाएंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 8:15 तक आपको मिलेगा रिग्रेट और बैटिंग, खासकर जब सीजन चल रहा हो, और सीजन भी नहीं भी चल रहा हो तो लोगों के पास तो ऐसा है नहीं कि आपको फालतू का पैसा देंगे, वो काउंटर पर जाके इजीली तरीके से 10 टिकट निकलवा सकते हैं। जगह जगह रेलवे ने YTS के काउंटर भी खोल दिया है। अब दोस्तों अगर हम तत्काल कोटा की बात करें तो तत्काल कोटा में भी दोस्तों 11, 15 और 10, 15 में ही आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब एक हिसाब से मैं आपको बता दूं, जो मेन कमाई रहता है इस एजेंट आईडी से तो आप नहीं कमा पाओगे, इतना आप ध्यान दीजिए। कमीशन की बात करें तो दोस्तों पर PNR पे आपको स्लीपर में 15 से 20 रुपये मिलता है। स्लीपर की बात करें दोस्तों वही मेरे हिसाब से 20-25 रुपये आपको मिल जाएगा स्लीपर में, और AC में दोस्तों 30 से 40 रुपये मिल जाएगा। और दोस्तों इनके टर्म एंड कंडीशन भी रहते हैं कि जो प्रिंटिंग रेट है उससे ज़्यादा आपको कस्टमर से नहीं लेना है, वरना इसके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है अगर कस्टमर कंप्लेन करता है। और उसमें लिखा रहता है कि प्रिंटिंग रेट जो आ रही है वही रेट आपको देना है। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप कस्टमर का मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं तो 5000 रुपये जुर्माना है। ऐसे करके दोस्तों बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन इसमें लिखे रहते हैं। मतलब एक PNR पे 6 पैसेंजर का नाम आप डाल सकते हैं जनरल कोटा में, तो फ्रेंड अगर आप 6 लोगों का नाम बुक करेंगे तो केवल आपको 15 से 20 रुपये मिलने वाला है। मतलब जो रूल्स है, अगर आप 50-50 रुपये पैसेंजर पर पैसेंजर के हिसाब से ले लिए तो बात अलग है। अब तत्काल कोटा तो दोस्तों भूल ही जाओ, कितनी भी नॉर्मल रूट रहेगी इससे तो आपको नहीं मिलने वाला। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दोस्तों जो IRCTC की एजेंट आईडी रहती है इसमें कहीं ना कहीं, हर कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, किसी न किसी में प्रॉब्लम आती रहती है, खासकर OTP बेस वाले में सबसे ज़्यादा है। अभी दोस्तों IRCTC का साइट इतना ज़्यादा डाउन चल रहा है जिसका पूरा फर्क IRCTC के एजेंट आईडी पे चल रहा है। OTP नहीं आ रहा है, सर्वर अनयूजुअल हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो फ्रेंड मेरा एक ही कहने का मतलब है, अगर आप सोच रहे हो IRCTC के ऑथराइज्ड एजेंट बनना तो फ्रेंड ये सभी चीज़ें ध्यान दो, प्रॉफिट के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं है। और रिन्यूअल फ़ीस की बात करूँ तो दोस्तों 1500 से 2000 या 1000 से ऊपर भी आपको रिन्यूअल फ़ीस देना पड़ सकता है, जो कि अलग अलग कंपनियों की चार्ज है। अब बहुत से हमारे ऐसे रेल यात्री हैं जो एजेंट आईडी ले लेते हैं लेकिन काम पर्सनल आईडी से बुक करते हैं, सोचते हैं कभी चेक इन वगैरह आएगी तो हम बच जाएंगे। तो फ्रेंड आपकी गलत सहमी है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके पास माना आप रेलवे के ऑथराइज्ड एजेंट हैं लेकिन आप उस एजेंट आईडी का यूज करके 10 टिकट नहीं बुक कर रहे हैं।
अगर दोस्तों जो भी रेल यात्री आने वाले कल में अगर एजेंट आईडी बनना चाहता है तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों लोग धीरे धीरे खुद डिजिटल हो रहे हैं। अगर मैं रियलिटी आपको बता दूं तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग खुद सीख ले रहे हैं कि मोबाइल से ट्रेन टिकट कैसे बुक करें। आजकल लोग फ़ोन पे गूगल पे खुद चला रहे हैं। मतलब अगर मैं आपको रियलिटी बता दूं, आने वाले 5-6 साल में या 2030 तक दोस्तों शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो दुकानों पर जाकर ट्रेन टिकट निकलवाएगा एक्स्ट्रा पैसा दे के। लोग पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे, खुद की आईडी बना के खुद की ट्रेन टिकट ले लेंगे। तत्काल के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, तत्काल के लिए आपके पास आएंगे, लेकिन जो आपके पास एजेंट आईडी रहेगी वो किसी काम की नहीं रहेगी। तत्काल टिकट 15 मिनट बाद मिलने वाला है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो मेरा सभी रेल यात्रियों से रिक्वेस्ट है, एजेंट आईडी में क्यों कुछ उतना फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा इंक्वायरी आ रही है, ज़्यादा ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए आ रही है तो फ्रेंड आप ले सकते हैं, वरना अगर आपके पास महीने में 1-2 PNR आ रहा है या फिर ऐसा कुछ आ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है एजेंट रेलवे को अट्रैक्ट एजेंट बनने से। कमीशन के नाम पर भी ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रिंट रेट से भी ज़्यादा पैसा आप नहीं ले सकते हैं। मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा बुकिंग होती है, एडवांस बुकिंग भी आप इसमें नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों 15 मिनट बाद ये खुलेगी, तब तक तो सभी सीटें फुल हो जाएंगी। और अगर नॉर्मल में सीटें बचती हैं तो दोस्तों इधर उधर आप कर लेंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो आपसे इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद जाके काउंटर से निकलवा लेंगे। तो ये सभी चीज़ें हैं दोस्तों। अब प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, एजेंट आईडी से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा दोस्तों वही है कि इसमें आप अनलिमिटेड PNR बुक कर सकते हैं। जैसे पर्सनल आईडी में दोस्तों अनलिमिटेड नहीं रहता है, 12 PNR रहता है महीने का। अगर वही आप आधार कार्ड से वेरीफाई कर देंगे तो 24 PNR हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों अनलिमिटेड PNR आप बुक कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करेंगे तो जो भी टिकट की प्रिंटिंग आए उससे 40 से 50 रुपये इसमें एक्स्ट्रा जुड़ के आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना। जिसमें 15 से 20 रुपये आपका कमीशन रहेगा, 30 रुपये कंपनी की चार्ज रहेगी। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो दोस्तों मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा, अगर आप सोच रहे हो तो एक हिसाब से थोड़ा भी रुक जाओ, क्योंकि उतना मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है IRCTC का ऑथराइज्ड एजेंट बनने में। क्योंकि बहुत सारे रेल यात्री हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि सर क्या फ़ायदा, क्योंकि दोस्तों इनका जो बुकिंग का टाइम है वो खुद ही इतना है, 15-15 मिनट बाद ये बुकिंग का ऑप्शन देते हैं, इतने में तो सारी सीटें ख़त्म हो जाती है। बोलते हैं कि आप प्रिंट ड्रेस से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकते हो, अगर इसमें कोई आप कार्रवाई करते हो 143 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मेरे हिसाब से तो ना है, फिर आपको जैसा लगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपके यहाँ ट्रेन टिकट बुकिंग ज़्यादा आ रही है ऑनलाइन, आप कई बार दोस्तों क्या होता है कुछ ऐसे लोकेशन रहते हैं जहाँ पर रेलवे स्टेशन और YTS के काउंटर बहुत दूर रहते हैं, तो बहुत सारे रेल यात्री आपके पास आ सकते हैं। लेकिन जैसे खासकर जो अर्बन हो गया, जो सिटी एरिया हो गया, वहाँ जगह जगह दुकान मिल जाती है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो बस फ्रेंड आज की इस वीडियो में ये छोटी सी अपडेट देने वाला था। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी यूजफुल लगा होगा। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सूरत बॉय कृष्णा सब्सक्राइब कर सकते हैं।